हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रोट्स। आज हम देखने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ बिजनेस एनालिसिस। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो यहाँ पे मैं रेड टैग कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करें और आप फर्स्ट लेक्चर भी देख सकते हो। कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप दूसरा लेक्चर अभी रखो, इसलिए अभी मैंने दूसरा लेक्चर रखा है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, तो कोई भी एक क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है कि मेरे को ये सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उसके लिए कैसे प्रोसीजर करते हैं बिजनेस एनालिस्ट्स, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सब मॉडल्स है ये जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो पहला मॉडल है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है इवोल्यूशनरी मॉडल, तीसरा इंक्रीमेंटल मॉडल, बाद में स्पाइरल मॉडल एंड यूनिफाइड प्रोसेस। तो पहला जो है वाटरफॉल मॉडल, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है और कैसे काम करता है। तो पहले वाटरफॉल मॉडल एक झरने की तरह काम करता है। अभी ये ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और बोलता है मेरे को सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उससे ले लोगे, बाद में रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाने नहीं बैठ जाओगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस खत्म होने के बाद आप सिस्टम डिजाइन पे आओगे, मतलब क्या सिस्टम हमको कैसे डिजाइन करनी है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, टेस्टिंग कैसे करना है और डिप्लॉयमेंट कैसे करना है वो पता चलेगा। और डिप्लॉयमेंट के बाद आपको सॉफ्टवेयर क्लाइंट को बताना होगा और बाद में वो जो जैसे बोलते हैं वैसे आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये मेन वाटरफॉल मॉडल है। अभी वाटरफॉल मॉडल में स्पेशलिटी क्या है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से आप सिस्टम डिजाइन पे आ गए, तो सिस्टम डिजाइन से आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं जा सकते हो। ये मेन स्पेशलिटी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये झरने की तरह काम करता है। एक बार आप नीचे के फेज पे आ गए तो ऊपर के फेज पे नहीं जा सकते हो। एक बार यहाँ से नीचे आ गए तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये मेन स्पेशलिटी है। अभी वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि ह्यूमन 100% फिक्स नहीं होता है कि यही हमको रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर उसको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, अगर उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई सिस्टम डिजाइन के बाद, तो हम तो परफेक्ट है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमको रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जाना पड़ेगा सिस्टम डिजाइन से, ठीक है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या प्रोवाइड करता है कि आप अगर सिस्टम डिजाइन पे हो तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे जा सकते हो, पर अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे हो तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं जा सकते। ये मेन डिसएडवांटेज है। और स्पेशलिटी बोलो तो भी सही है, मतलब आप पहले फेज पे हो तो दूसरे फेज पे जाओ और दूसरे फेज से पहले फेज पे आ सकते हो, पर अगर आप तीसरे फेज पे हो तो पहले फेज पे नहीं आ सकते हो। ये सब सिक्वेंट जैसा होना चाहिए, पता चला, ठीक है। तो आपको वाटरफॉल मॉडल का जो मेन कंसेप्ट है वो पता चल गया होगा। अभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो व्हेन वाटरफॉल मॉडल यूज, तो वाटरफॉल मॉडल जब छोटे प्रोजेक्ट होते हैं तभी यूज होता है। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हुआ तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में कोई भी सुधार आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बड़ा है, इसलिए वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे फेलियर हो जाता है, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल की स्पेशलिटी क्या है। तो इसमें स्पेशलिटी ये है कि अगर आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस से सिस्टम डिजाइन पे आए तो सिस्टम डिजाइन से रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे नहीं आ सकते हो, ये मेन स्पेशलिटी है। पर कई बार उसमें आना ही पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट रूल्स चेंज हो गए। अगर व्हाट्सएप का हम ले तो वो ऑडियो कॉलिंग है और वो बोलता है कि अभी मेरे को वीडियो कॉलिंग भी करना है, तो वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे हमको आना ही पड़ेगा, बाद में सिस्टम डिजाइन में चेंजेस हो गए। ये बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर वाटरफॉल मॉडल प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिकेशन इज फ्रोजन अर्ली बिकॉज इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। मतलब क्लाइंट का स्पेसिफिकेशन जो दिया होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसको कोई भी चेंज करना पड़ता है अगर सॉफ्टवेयर में, तो उसका पूरा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, इसीलिए हमको वापस जाना पड़ता है।
तो उसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर का कोडिंग हमको देखना पड़ता है, पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखना पड़ता है, ये मेन प्रॉब्लम है। लेस पॉसिबिलिटी टू गेट सक्सेस, मतलब उसमें क्या होता है कि क्लाइंट कई बार आता है और चेंजेस देता है और हमको करना पड़ता है, अगर हम परफेक्ट है तो अभी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ये सक्सेस बहुत नहीं है। ये इसीलिए ये स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज होता है। वाटरफॉल मॉडल ऑब्जर्वेशन, प्रोसेस स्टेजेस कैन बी इटरेटिव, मतलब क्लाइंट बोलता है कि हमको ये चेंजेस करना है, तो हमारी प्रोसेस है वो इटरेटिव मेथड्स में चेंज हो जाती है। मतलब हमको रिक्वायरमेंट एनालिसिस से सिस्टम डिजाइन पे गए, फिर से रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आ गए, ऐसे इटरेटिव मेथड पे काम करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉपिंग विथ चेंजिंग स्पेसिफिकेशन, मैंने जैसे बोला कि स्पेसिफिकेशन चेंज होने से हमको फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ती है, मतलब ये एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि वाटरफॉल मॉडल एक्चुअल है क्या और उसका कंसेप्ट क्या है। सो इन शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, वाटरफॉल मॉडल झरने की तरह काम करता है, उसमें एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे आए तो दूसरी प्रोसेस से पहली प्रोसेस पे जाना नहीं पड़ता, ये मेन कंसेप्ट है। और वाटरफॉल मॉडल में ह्यूमन बिहेवियर 99% ही होता है, सो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हुई तो हमको वापस जाना पड़ता है, पर वो सबसिक्वेंट 2 स्टेजेस पे ही जाना पड़ता है। मतलब आप दूसरे स्टेज पे आए तो पहले स्टेज पे आ सकते हो, पर तीसरे से पहले स्टेज पे नहीं आ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल, आगे मैं दूसरे सब मॉडल आपको समझाऊंगा।